मेरा ये पूरा फिगर आपको दिखाने का यही मकसद था कि हम किस एरिया में रहते हैं किस एरिया में आपको कॉन्सेंट्रेट करना है किस एरिया में किस तरीके से हमें आ, काम करना है और हमें आ, कितने बड़े मार्केट में एक मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप सब लोग अगर इंडियन आ, मार्केट अगर देखते हैं तो हमें काम करना कैसे है एग्रीकल्चर का बिजनेस क्यों करना है हमें डायमंड किस तरीके से बहुत सारे सवाल आपके मन में आते होंगे तो मैं इतना ही आपको कहूंगा जिस क्षेत्र से आप आते हैं जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उसकी अगल बगल में जहां से आप नेटिव प्लेस से आते हैं उसकी अगल बगल में अगर आप पांच गांव अगर सिलेक्ट कर ले आपकी अगल बगल के पांच गांव अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो उसी गांव में आप डायमंड बन सकते हैं इतना बड़ा मार्केट इसका हो सकता है तो पहले आप क्या करें Uh, मेरी एक आपको सलाह है कि स्टेप बाय स्टेप अगर आप मार्केट को या फिर बिजनेस uh, को अगर समझ पाए किस तरीके से कर सकते हैं तो सिस्टम से अगर आप डेफिनेटली uh, टीसी से डायमंड एक साल में बन सकते हैं आपकी अगल बगल के पांच गांव आप सिलेक्ट कर ले उस एरिया में खरीफ में मतलब बारिश के दिनों में आपके कौन से कौन से uh, पौधे लगाए जाते हैं या किस प्रकार की खेती होती है उसका विचार uh, कर ले कितने खेती में सिंचाई की आपकी सुविधा है या किस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा नहीं है यह आप देख ले क्योंकि एग्रीकल्चर जनरली इंडिया में भारत वर्ष में तीन सीजन में होता है खरीफ में रबी में और समर में तो खरीफ एंड रबी में टोटली क्रॉप कौन से कौन से आपके एरिया में आते हैं उस क्रॉप में ये बीज बीज लगवाने की प्रक्रिया कब शुरू होती है बीज लगवाने के बाद में हमारे प्रोडक्ट्स किस किस एरिया में कैसे कैसे चल सकते हैं आप कस्टमर केयर का हेल्प लेके कर सकते हैं और कितना बड़ा मार्केट आ, मतलब लोग कौन से मार्केट में आ, लेने जाते हैं और किस किसान भाइयों को आपको ये प्रोडक्ट बेचने हैं उनकी लिस्ट तैयार करें उनके प्रॉब्लम्स को समझे वो स्टडी करके आप ये उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट आप उनको दे सकते हैं जिसे हम पीएसपी बोलते हैं ये प्रोडक्ट आप उसे दे सकते हैं और अपना आ, एक साल में आप बहुत बड़ा बिजनेस आ, अपनी अगल बगल के चार गांव में ये कर सकते हैं तो अपने जो आने वाले प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को हम बाय डेफिनेशन तो पेस्टिसाइड नहीं कर सकते इसको कीट नाश, नाशक हम नहीं बोल सकते हैं। क्यों क्योंकि हमारी दवाइयों से किसी भी कीड़े की जान नहीं जाने वाली है यह आप समझ लीजिए मतलब कीड़ों का अंत फिर अपनी दवाइय से कैसे होता है या फिर अपनी दवाइयों का फिलोसॉफी क्या है तो जिस पौधे के ऊपर में हमें छिड़काव करना है जिस पौधे का हमें संरक्षण करना है उस पौधे का जब हम स्प्रे करते हैं अपनी दवाइयों का तो किस प्रकार से कीड़ों के ऊपर में इसका इफेक्ट या प्रभाव दिखता है ये आपको देखना बहुत जरूरी होगा ये फोर पॉइंट प्रोग्राम आपने सब लोगों ने अपनी दिमाग में डाल लेना है ताकि आप, आपके किसान भाइयों को जब आप मदद करेंगे जो बताएंगे तो ये फिलोसॉफी उसे बताना बहुत जरूरी होगा क्योंकि आपको भी ये समझना पड़ेगा कि अपनी दवाई काम कैसे करती है जब भी आप किसी पौधे के ऊपर में इस दवाई का छिड़काव करेंगे कभी भी कीड़ा उस पौधे को या उस खेत में नुकसान करने की कोशिश करेगा कुछ भी पौधे का फूल फल या फिर पत्ते खाने का कोशिश करेगा तो उस कीड़े के ऊपर में इसकी क्या इफेक्ट होता है ये देख लीजिए सबसे पहले जब भी खाने की कोशिश करेगा तो उसके गले में कीड़े के गले में मैंडिबल्स होते हैं जिसे हमें टॉन्सिल्स होते हैं उस तरीके से कीड़े के गले में मैंडिबल्स होते हैं वो चोकअप हो जाते हैं मतलब सीधी भाषा में उसका मुंह बंद हो जाता है मतलब आपके मगज का या ब्रेन का पूरा कंट्रोल आपकी बॉडी के ऊपर से कीड़े के ऊपर से निकल जाएगा कीड़ा अपने आप में पैरालाइज हो जाएगा या फिर उसको पैरालाइज हो जाएगा और कीड़े से पानी की मात्रा बाहर निकल जाएगी कैल्शियम प्लस प्लस के द्वारा मतलब कीड़े का डिहाइड्रेशन होगा और इस प्रकार से जब भी छिड़काव होने के बाद में कीड़ा आपके पौधों को नुकसान करेगा इस तरीके से 24 घंटे के अंतराल में वो कीड़े की मौत हो जाएगी ना वो खाना खा पाएगा उसका ब्रेन के ऊपर में कंट्रोल निकल जाएगा पैरालिसिस हो जाएगा और उसके शरीर से पानी बाहर निकल जाएगा इस तरीके से 24 घंटे में कीड़े का अंत हो गया मतलब इसका यह है कि आपने पौधे के ऊपर में छिड़काव आज अगर किया है तो कल सुबह अगर आप जाके देखेंगे तो आपको हंड्रेड परसेंट इस कीड़े का अंत हुआ हुआ आपको दिखेगा इसका मतलब हमने किसी भी कीड़े को नहीं मारा है कीड़ा अपने आप आया खाने की कोशिश करी और अपने आप मर गया है ये फोर पॉइंट प्रोग्राम आप अपने दिमाग में पूरी तरीके से बिठा दीजिए ताकि आप किसान भाइयों को बताते समय यह फिलोसॉफी बताना बहुत जरूरी है